वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में 8.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर आपने 2 तक हो गए थे, है ना। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक को ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है उस पर बात करते हैं अपन। A cone is made from a sphere to that the volume of cone is maximum when height of the cone is 2/3 of the diameter of the sphere। देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं है, स्फीयर के अंदर कोण है, इंस्क्राइब कर रखा है कोण को, ठीक है। यानी कि एक स्फीयर में कोण को इंस्क्राइब कर रखा है, मतलब कोण अंदर है। कोण जानते हो, तो खाने वाला कोण नहीं है, स्फीयर वाला है। अभी खा भी मत रहे तो दवाई भी नहीं मिलेगी, भी तो खांसी होगी ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर बात करें अपन थर्ड वाला एक्सरसाइज नंबर आपकी 8.6, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे भारी एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। और भारी एक्सरसाइज है और इससे क्वेश्चन भी आता है 3 नंबर का, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 3-3 नंबर के। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर कोण है, ये आपका स्फीयर है, ठीक है। इसके अंदर मैं कोण बना रहा हूं। देखो कोण का मतलब हिंदी में शंकु बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका कोण है, ये कोण का नीचे एक सर्कल की फॉर्म में बेस होगा, होगा नहीं होगा, जैसे आइसक्रीम के ऊपर वो कवर लगा होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस कोण की मैंने हाइट अज्यूम कर ली कि मेरी एच हाइट है, यस और नो, और मैंने इस कोण की रेडियस अज्यूम कर ली वो मेरी आर है, ठीक है। क्या है रेडियस? आर। देखिए स्फीयर की रेडियस भी अपन अज्यूम कर लेते हैं, ये स्फीयर का सेंटर है और सेंटर को जब सर्कमफेरेंस से जॉइन करते हैं तो दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब देखिए आपको वॉल्यूम किसका मैक्सिमम करना है, किसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, आपको वॉल्यूम मैक्सिमम करना कोण का, कब होना चाहिए, तो कंडीशन दे रखी है। देखिए अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको उल्टी कंडीशन दिखाई देगी, एक वॉल्यूम को मैक्सिमम करना कब होना चाहिए, जब उसकी 2 times ऑफ हाइट ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, 2/3 है, 2 times है, 2/3, 2/3 का मतलब क्या, 2/3 तो होता है, अरे 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3, 2/3 टाइम्स ऑफ हाइट इक्वल टू डायमीटर, यस और नो, डायमीटर बोल रहा हूं, डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर, ये होना चाहिए कब, जब इसका वॉल्यूम क्या हो, मैक्सिमम होता है। अब देखिए कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² h, 1/3 πr² h, r भी है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, देखिए अगर आप मान लीजिए मैक्सिमम वॉल्यूम एक ही कंडीशन में होगा, मेरी बात को समझ रहे हैं, यानी कि अपन ऐसे इसको सेट कर रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, किसका, कोण का, सेट ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी रेडियस भी वेरिएबल होगी और इसकी हाइट भी क्या होगी, वेरिएबल। अरे तभी तो वॉल्यूम क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इस प्रकार से अपन इस कोण को सेट कर रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। देखिए वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, एक तो h आएगा और एक क्या आएगा, r आएगा, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को आपको एक में चेंज करना पड़ेगा तभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू h या फिर विद रेस्पेक्ट टू r। देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लेट रेडियस ऑफ कोण a, हाइट ऑफ कोण 90, ये नहीं r है, हाइट ऑफ कोण कितनी हो जाएगी, h, एंड स्फीयर ऑफ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर वो हो जाएगी आपकी a, जो भी है आप देख लेंगे क्वेश्चन में क्या है, तेरे क्या लिया हुआ है, अच्छा h इक्वल टू ऐसे है, ऐसे है वो h इक्वल टू 2
बाय थर्ड डायमीटर जो भी प्रूफ करना होता है, ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ना। रेडियस अज्यूम कर ली, हाइट अज्यूम कर लिया, स्पेस की रेडियस, ठीक है। आप मेरे को ऐसे बताओ, ये कंप्लीट हाइट एच है यहां से यहां तक, यस और नो, ये कितनी होगी? ए होगी कुछ नहीं होगी, ये रेडियस स्पेस की है तो पक्का ये भी स्पेस की रेडियस की होगी। अगर मेरी हाइट एच है तो कितनी होगी? एच माइनस एच, ठीक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन मेरी मनमर्जी से नहीं कर रहा हूं, जो काम लिख रहा हूं अभी, आप जब बोलते क्वेश्चन फोर कर लो तब पता चल जाएगा आपको ऐसा क्यों कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर स्क्वायर और एच दोनों वेरिएबल है, आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, देखिए वॉल्यूम को बी लिख लेते हैं तो एक्स है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन उसको अपन बी लिख लेते ताकि डिफरेंशिएट करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आर है वो एच है, अपन ए को चेंज करना चाहेंगे एच के टर्म्स में या फिर आर के टर्म्स में, कैसे करेंगे? मैं इस ट्रायंगल को मान लेता हूं ओ ये ए, आपको पता है परपेंडिकुलर होगा कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बात करते हैं हम ट्रायंगल ओ ए बी में, बात करेंगे बताइए क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर बराबर टू, ये बोलो। यहां से r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, कोई बताएगा इसमें a कांस्टेंट रहेगी क्या? बिल्कुल इस पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप किसको इंस्क्राइब कर रहे हो, कौन को कर रहे हो, कौन की डायमेंशन चेंज हो सकती है, स्पेयर की डायमेंशन चेंज नहीं होगी। जैसे मैं बोलूं आपके पास कोई बर्तन है और इसमें आप बर्तन में पानी डाल रहे हो, तो बर्तन की साइज चेंज नहीं कर सकते आप, जो पानी डाल रहे हो उसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू उसके डायमेंशन। अगर मान लीजिए 5 लीटर का पूरा बर्तन है, आप उसमें पानी डालो 7 लीटर का, 7 लीटर आ जाएगा नहीं आएगा ना, तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 3 लीटर पानी डाल रहे थे 2 कूड़ डाल सकते हैं, यानी कि चेंज क्या होगा, पानी चेंज होगा ना कि बर्तन की साइज चेंज होगा, यानी कि स्पेयर की साइज चेंज नहीं होगी, कोण भी चेंज हो सकती है, यानी कि एच और यहाँ पे आर वेरिएबल है, ए वाला कॉन्स्टेंट रहेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, अब देखिए वॉल्यूम क्या था, b इक्वल टू आपका क्या था 1/3 पाई r स्क्वायर के लिए क्या करना, यहां से बोलिएगा a स्क्वायर माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर। वैसे अगर इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, बाकी a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो सकता है ना, यहां देखिएगा a स्क्वायर h स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का 2ah, मैंने सॉल्व कर दिया a माइनस b का होल स्क्वायर और बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दिस दिस कैंसिल आउट, तो दिस क्या हो जाएगा 2ah माइनस का h स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, व्हिच इज फैक्ट वी की बात करेंगे d इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू 2ah माइनस का h स्क्वायर और 2x, सारा कुछ क्या आ गया, h में आ गया, a में आ गया, कांस्टेंट है, आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा b 1/3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2ah स्क्वायर माइनस का h क्यूब, आप कर देंगे इसका डिफरेंशिएट आ गया डायमेंशन ऑफ स्फीयर है नहीं है, लेकिन अपन चेक तो करें इसके d2b / dh² ठीक है,
एच की वैल्यू क्या करेंगे अपन, यहाँ पे रखेंगे एट एच इक्वल टू फोर बाई थ्री ए आपका डी टू बी अपॉन डी एच स्क्वायर चेक करेंगे, ठीक है डी टू बी अपॉन डी एच स्क्वायर चेक करेंगे। देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं, चेक करने के बाद में लिखेंगे कैसा है। एरिया स्क्रीनशॉट बहुत खतरनाक रहता है, टाइम रेडियस का डबल डी होता सिंपल टाइम नाम क्या ये चैप्टर खत्म हो जाने में फिर समनामा याद करेंगे। ये हो गया, आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे अपन चेक करेंगे उसमें, तो डी टू बी अपॉन डी एच इस बार आपका क्या होगा वही भी तो चेक कर सकते थे एच इक्वल टू फोर बाय थ्री ए डी टू बी अपॉन डी एच स्क्वायर कितना हो जाएगा फाइव बाय थ्री फोर ए माइनस सिक्स एच की वैल्यू बोलेगा फोर ए अपॉन थ्री इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया नेगेटिव आएगा टू ए यानी माइनस का फोर ए, माइनस का फोर ए का मतलब माइनस फोर ए पाई अपॉन थ्री इज लेस देन जीरो। बोलो क्या बोल सकते हैं volume of cone is maximum at h equal to 4 by 3a इसका मतलब height equal to 2 by 3 into 2a और ये क्या हो जाएगा h equal to 2 by 3 diameter of sphere ये बोलो diameter of bill simple या diameter of स्पेयर हो गया काम, ये तो प्रूफ करना था ना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर, सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर को, ठीक है तू भी देख रहे The expense for his trimmer per hour is proportional to the cube of its velocity. If velocity of his trim is x kilometer per hour, then prove that the magic velocity of his trimmer per hour will be 2 by 3. गलत हो 2 by 3 नहीं 3 by 2 आएगा। आपके 2 by 3 3 by 2 है। किसी के 3 by 2 होगा? किसी के 3 by 2 है? चेक करेंगे सर 3 बाय 2 आ रहा है। व्हेन द स्ट्रीमर रन्स अगेंस्ट द डायरेक्शन वो तो प्रूफ में आ जाएगा ना, आपने जब अपन प्रूफ करेंगे तब वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 बाय 2 होगा 2 बाय 3 होगा। ओके देखिए स्ट्रीमर क्या होती है और पानी पानी जब चल रहे हो ना हां ऐसा नहीं होना चाहिए हां ठीक है ओके ओके देखिए वेलोसिटी दे देंगे कोई बताएगा किसकी वेलोसिटी चेंज होगी पानी की वेलोसिटी चेंज होगी या स्ट्रीमर की वेलोसिटी चेंज हो सकती है की बात है मतलब जैसे नाव अपन चलाएंगे तो वेलोसिटी अपन कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन पानी को जिस हिसाब से बह रहा है उस हिसाब से बहेगा वैसे नहीं कि पानी को चेंज करोगे आप जैसे यहां पे किसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी किसकी स्पीयर और कोण की चेंज हो रही थी यहां पे किसकी चेंज होगी स्ट्रीमर की चेंज होगी पानी की चेंज नहीं होगी क्या स्पीड। अब देखिए यहाँ पे बस ये वाली बात तो समझ में आ गई सर स्ट्रीमर की नो चेंज हाँ स्ट्रीमर की क्या होगी उसको चेंज होगी वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ मोटर है ना करंट मोटर ऐसे चूरा होगा अच्छा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर दे रखा है क्या ओके देखिए आपको जो दे रखा है उसको लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन ठीक है
वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर सभी की उसमें स्ट्रीमर की वेलोसिटी ये दे रखी है एक बार चेक करना उल्टा नहीं होता है बस ये आप देखिए और कुछ दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा सर बराबर के माने बात करना ओके अब लेट कर लेते हैं लेट लेट वेलोसिटी ऑफ वॉटर ठीक है उसको क्या बोलते हैं धारा को जो पानी की धारा होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्ट्रीम भी बोलते हैं स्ट्रीम भी बोलते हैं स्ट्रीम भी बोलते हैं अच्छा स्ट्रीमर उसको बोलते हैं क्या वाटर धारा सिर्फ स्ट्रीमर को चल रहा है धारा पानी की धारा को स्ट्रीम बोलते हैं सर हमने तो एक्स वाटर को स्ट्रीमर बोलते हैं आप स्पीड भी उसकी है स्ट्रीम भी है वाटर करंट की वाटर धारा की है वाटर करंट की है क्या एक बार मैं चेक कर लीजिए आपकी बुक में कैसे है सर मीटर की है एक सेकंड ठीक है वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम करंट वाटर वाटर करंट वाटर करंट क्या स्पीड किसकी स्पीड स्ट्रीमर की यानी कितना होगा प्रोपोर्शन दे रखा है वो जाएगा b का क्यूब होगा क्यों होगा तो यहां पे अगर मान लिया अपन e एक्सपेंसिव को e मान लेते हैं तो कितना आएगा प्रोपोर्शन आएगा तो क्या आएगा तो k d क्यूब हो जाएगा होगा नहीं होगा लेकिन किस एक आवर के लिए कितने आवर के लिए पर आवर के लिए अब अपने को टोटल आवर निकालना पड़ेगा कि कितने टाइम तक चलेगी वो अपन टाइम निकालने टाइम क्या होगी अपन डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं एंड डिस्टेंस कवर को अपन डी अज्यूम कर लिए ठीक है तो टाइम कितना आ जाएगा टोटल टाइम कितना आ जाएगा टोटल टाइम वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अब वेलोसिटी कौन सी आएगी स्ट्रीमर की कैसी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी ना अरे जब वो जाएगा स्ट्रीमर तो कौन सी आएगी v माइनस x आएगी आएगी नहीं आएगी और इस टाइम क्या होगी किलोमीटर पर आवर होगी नहीं किलोमीटर एक सेकंड टाइम टू होगा आवर होगी ठीक है अब देखिए यहां पे टोटल टाइम को टी मान लिया अपन क्या मान लिया टोटल टाइम को टी मान लिया यानी कि जो स्टीमर जाएगी उसको कितने घंटे लगेंगे डी अपॉन वी माइनस एक्स एक घंटे का खर्चा कितना है के वी क्यू समझना बात को एक घंटे का जो खर्चा है वो के वी क्यूब है कितने घंटे हैं
d अपॉन d माइनस x, तो अपन बोल सकते हैं टोटल टोटल खर्चा कितना आएगा बता सकते हो आप? एक के लिए इतना है, अरे एक एक घंटे के लिए इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा k b q d अपॉन b माइनस x होगा नहीं होगा? तो यहां पे ठीक है हाँ, तो कितना हो जाएगा यहां से इसको, ये के बी क्यूब, ठीक है, इसको लिख देते हैं पर ई, क्या लिख देते हैं ई, हाँ ई की वैल्यू क्या आएगी यहां से के डी के बी क्यूब अपॉन बी माइनस एक्स होगा, क्यों दोबारा से देखिए कुछ वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट कितनी है x किलोमीटर पर आवर, ये आपको दे रखी है, वो स्ट्रीमर की है वाटर करंट की, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमर अपन लेट कर लिए b किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव क्या हो जाएगी दोनों का माइनस होगा, एक घंटे का जो खर्चा है वो किसके प्रोपोर्शनल है उसकी उसकी स्पीड के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन का साइन आया के आएगा जिसके पढ़ा आपने, तो kb क्यूब हो जाएगा, एक घंटे का खर्चा इतना है, अपने को कितने घंटों की जरूरत पड़ेगी, कितने घंटे लगेंगे उसमें, कितना हो जाएगा टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो d डिस्टेंस कवर किया पड़ी और वेलोसिटी d माइनस x, ये टोटल टाइम आ गया, ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, एक घंटे के कितना है, तो टोटल कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो d के d क्यूब अपॉन d माइनस x, अब बताइए इसमें कौन कौन कॉन्स्टेंट है, सारे कॉन्स्टेंट बस एक ही वेरिएबल है, कौन सा वाला, x वेरिएबल है, वेलोसिटी बी वेरिएबल है, तो अपन क्या करेंगे डी अपॉन क्या कर देंगे डी अपॉन डीडी करेंगे, डी के बाहर निकाल लिया, इसका किससे करेंगे यू अपॉन बी से करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर यानी कि बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी माइनस एक्स ऐसा का ऐसा, बी क्यूब का करेंगे थ्री बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या सही बोल रहा हूँ, माइनस का साइन आएगा माइनस बी का क्यूब, बी का क्यूब और b माइनस x का करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 0 हो जाएगा, मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग, ओके डी अपॉन डी कितना हो जाएगा, ठीक है डी के और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b क्यूब माइनस 3b स्क्वायर x माइनस का b क्यूब अपॉन b माइनस x का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा b के 2b क्यूब माइनस 3b स्क्वायर x अपॉन b माइनस x का होल स्क्वायर, ये तो क्या आया डी अपॉन डीबी, एंड ये खर्चे का वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया डिफरेंशियल कर दिया, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले फिर अपन आगे चलते हैं, कोई डाउट, अरे आप समझ आ गया ना, बस ये चीज ध्यान रखना b माइनस x वाला, चले आगे, अब देखिए यहां से अब इसमें दोबारा अपन डिफरेंशिएट करें तो b टू e अपॉन d b स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा, b की आपका बाहर है और इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो b माइनस x का होल स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, u अपॉन b से फिर से कर रहा हूं मैं, नीचे वाले का स्क्वायर का वापस स्क्वायर पावर 4, नीचे वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा रहेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो 6b स्क्वायर माइनस 6bx और माइनस, अब क्या करेंगे ऐसा का ऐसा 2b क्यूब माइनस 3b स्क्वायर x और इसका करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, अच्छा इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि b माइनस x का होल स्क्वायर का, अरे b माइनस x का होल स्क्वायर ना नीचे उसका क्या हो जाएगा 2b माइनस x होगा, ठीक है क्या हो जाएगा b के b माइनस एक्स का स्क्वायर b माइनस एक्स है, ऊपर b माइनस एक्स कॉमन होगा, एक b माइनस एक्स को क्या कर देगा गायब कर देगा, अरे बोलो क्या बचेगा b माइनस एक्स का होल क्यूब बचेगा, यहाँ क्या बचेगा b माइनस एक्स बचेगा,
आर 6v स्क्वायर माइनस 6v x, यहां पे v स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 2v माइनस 3x, और 2 ये साथ में है ये लो साथ में लिख दिया एक और बस। अब इसको मल्टीप्लाई करें ठीक है, अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अपन, क्या हो गया अरे सही तो किया है, तू था आपका अंतिम माइनस में टोटल में निकाल ले v माइनस x, यहां से कॉमन लिया उन नीचे वाले उड़ा दिया एक, तो v माइनस x में यहां एक हाई को एक बच गया, यहां पे पूरा उड़ गया ठीक है, अरे दोनों में कॉमन लिया ना। अब देखिए अपन क्या करेंगे, आपको मैक्सिमाइज करना है मिनिमाइज करना है, देखना एक बार मिनिमाइज और मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे बताओ, देखिए क्या करेंगे डीई अपॉन डीवी क्या करेंगे, जीरो कर देंगे इसको, जीरो करेंगे क्या हो जाएगा डीके अपॉन डीके 2v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर x अपॉन v माइनस x का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये पूरी चीज बदल जाएगी जीरो हो जाएगी, ये वाली चीज बदल जाएगी जीरो, क्या बचेगा 2v cube equal to 3v square x बचेगा, यहाँ से बताइए क्या आएगा v equal to 3 by 2 x, तो 2 by 3 था ना वो गलत था, 3 by 2 आया कितना आया ना 3 by 2, अरे जो वैल्यू से देखे वो गलत है, स्टीमर वाटर कैन अलग अलग चीज होती है ठीक है, वाटर कैन धारा होती है, स्टीमर अपन जो लेके चलते हैं ना उसको बोलते हैं, क्या सही बोल रहा हूँ क्या, तो v equal to 3 by 2 x ठीक है। अब देखिए अपने को चेक भी तो करना है कि वास्तव में क्या दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है, पहले चेक तो कर ले, अब इसमें रखेंगे रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, क्या हुआ बेटा ऊपर से जा रहा है क्या, कोई बात नहीं ऊपर से जा रहा, तभी तो भूखे लास्ट में करवाए हैं एक्सरसाइज, पूरा सिलेबस ही हो गया। हाँ अब देखिए v equal to 3 by 2 x, यहाँ भी देखिएगा कहाँ जा रहे हैं, अपन यहाँ चेक करेंगे at v equal to 3 by 2 x अपन क्या चेक करेंगे d 2 e upon d square, d कैसा है ऐसा, अब देखिए b में से x यानी कि b की वैल्यू रखेंगे 3 by 2 x, तो बताओ 3 by 2 x में से x रखेंगे, एक बार रखेंगे तो ज्यादा दिमाग लगाओ तो फिर वो गलत ही हो जाएगा, 3 by 2 x minus x लगाएगा, यहाँ से देखिए b का स्क्वायर यानी 9 by 4, 6 into 9 by 4 x स्क्वायर, मैंने 3 by 2 x रख दिया है minus 6 b की वैल्यू 3 by 2 x, ये काम हो गया इसका स्क्वायर टू, अच्छा ओके 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 आपका पूरा निकल ठीक है, माइनस आगे कितना आएगा माइनस 3 बाय 2 9 बाय 4 x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 into 3 बाय 2 x माइनस 3 x, अब इसको सॉल्व करेंगे बस और कुछ नहीं करेंगे अपन, कौन सा जीरो हो गया 3 बाय 2 x माइनस x का होल स्क्वायर, लेस देन 0 आएगा, अब देखिए ये कितना हो जाएगा x by 2 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा x by 2 बचेगा, अरे बोलो बिल्कुल x by 2 बचेगा, यहां पे देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 9 by 4 है 3 by 2 है, देखिए सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा, 6 बाहर ले लो 9 by 4 3 by 2 9 by 4 3 by 2 इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, नहीं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, देखिए सॉल्व करने का तरीका 9 by 4 अभिजीत ने पढ़ा हुआ ऐसा बैठा, अभिजीत पढ़ा है कैसे सॉल्व कैसे करते बिना एक्शन के, नीचे वाले से इक्वल कर देते कितना आएगा 4 नीचे आ जाएगा 6 आ जाएगा आया भी आएगा 9 में 6 6 किया कितना बचेगा, अरे 9 में 3 by 4 बचेगा, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा आप 3 by 4 क्या बचेगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं 6 तो बचेगा ही बचेगा और साथ में 3 by 4 x स्क्वायर बचेगा, यानी कि पूरे का काम हो चुका माइनस ये 4 2 से कटेगा तो 9 / 2 x² अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया
ये तो सारा जीरो हो गया, एक चीज बताइए ये x y होगा इसका क्या है? अब बताओ ये जीरो से बड़ा होगा छोटा होगा? तो बड़ा है क्यों? मेरे मिनिमम है मैक्सिमम चेक करने को, खर्चा छोटा होगा तो मिनिमम होना चाहिए। एक सेकंड क्या पूछा, क्या चीज मिनिमम होनी चाहिए? मैक्सिमम हो, मैक्सिमम हो। अच्छा अच्छा, फिर अपने जीरो से बड़ा कैसे आ रहा है? एक सेकंड और बात करो, हाँ देखो रे, ये चीज जीरो से बड़ी होगी, इसका मतलब खर्चा क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, सॉरी मिनिमम हो गया, एंड एक्सपेंसिव मिनिमम है v इक्वल टू 3 बाय 2। अरे खर्चा कभी मैक्सिमम करता है क्या? तो मुकेश अंबानी तो है नहीं, हाँ उतना तो होगा ही, उससे ज्यादा भी कटेगा क्या? हाँ तो कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? फोर्थ वाला, ठीक है, बाकी का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, कल इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, फिर मिसलेनियस और बचेगी, ठीक है? कल क्या बचेगी? मिसलेनियस बचेगी। आज के लिए इतना ही काफी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके ओके ओके।